देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे खबर से न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। उत्तराखंड के विकास नगर ढालीपुर में प्रधानमंत्री नील क्रांति योजना के अंतर्गत मत्स्य पालन की शुरुआत। उत्तराखंड में पहली योजना ढालीपुर में राजीव वर्मा द्वारा शुरू किया गया। इसमें 8 टैंक मछली पालन के लिए बनाया गया है, जिसमें कई प्रकार की मछलियां डाली गई हैं। इस योजना से क्षेत्र के लोगों को बहुत से रोजगार मिले हैं। राजीव वर्मा का कहना है कि प्रधानमंत्री की यह योजना उत्तराखंड में सबसे पहले मुझे मिली है। मैं यह कार्य रोजगार के रूप में कर रहा हूं। इस स्वरोजगार से कई लोगों को रोजगार भी मिला है। स्वागत है रिपोर्टर सुभाष बोनियाल के साथ। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ पे नील क्रांति जो अभी योजना चली है उसके तहत विकास नगर ढालीपुर में राजीव वर्मा जी के द्वारा यहाँ पे मत्स्य पालन जो है मछली पालन यहाँ पे शुरुआत हुई है। यहाँ पे काफ़ी करीबन 8 टैंक यहाँ पे देखने को आपको मिल रहे होंगे और एक रोजगार भी यहाँ पे हुआ है उत्तराखंड सरकार की ओर से। और जो यहाँ के जो वर्मा जी हैं जिन्होंने इस कार्य को जो है शुरुआत किया है, उनसे भी जानेंगे कि इसका क्या आगे विजन है, क्या इसका रीज़न है। जी वर्मा जी नमस्कार, मैं राजीव वर्मा किसान हूँ जी। नील क्रांति योजना के अंतर्गत उत्तराखंड सरकार द्वारा अनुदान से मैंने 8 टैंक बनाए हैं। यह आधुनिक RAS सिस्टम है। इस टैंक में हम अधिक घनत्व में मछली पालन कर लेते हैं। हम इसमें जो है पानी का बिल्कुल वेस्टेज नहीं करते और बिजली का भी बहुत कम उपयोग है। मैं यहाँ पर केवल सोलर से इस चीज़ को चला रहा हूँ। कोई बिजली का उपयोग जो है वेस्ट नहीं है, कोई पानी का वेस्टेज नहीं है और अधिक घनत्व में हम अधिक इस RAS सिस्टम में ज़्यादा से ज़्यादा मछली हम लोग जो है पैदा कर सकते हैं। सर ये अनुदान जो है आपने किस प्रकार से लिया है? सर ये मत्स्य विभाग ने मेरी बहुत मदद करी इसमें। मत्स्य विभाग में मैं जब पहुंचा तो तब उन्होंने अपनी योजनाएं हमें बताई और जुझारू किसान होते हुए उन्होंने मेरी उसमें फिर मदद करी। ये 8 टैंक का प्रोजेक्ट था, 50 लाख इसकी जो है लागत थी, जिसका 40% जो है अनुदान राशि मुझे वापस मिली। तो सर इससे जो है गांव वालों को, जो यहाँ के लोकल किसान हैं, इनको भी कोई लाभ मिलेगा? देखिए सबसे पहले तो इसमें यह है कि 3-4 जनों को मैं खुद ही जो है यहाँ पर लोकल रखा हुआ है कार्य पे, जिनको मैं जो है आगे नौकरी दे सकता हूँ। बीच बीच में हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते रहते हैं जिनमें हमें भी ट्रेनिंग मिलती है और मैं क्या सीख रहा हूँ रोज वो मैं भी अपना शेयर करता हूँ लोगों के साथ। जी जी, तो सर अभी आप कुल मिला के कि उत्तराखंड सरकार ने जो है ये एक रोजगार जो है दिया है और इससे एक किसान का जो है एक आगे जो रोजगार चल सकता है। बहुत बहुत किसान जो है काफ़ी आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड सरकार ने इतना अच्छा किया है कि इस क्षेत्र में काफ़ी अंतर्गत जो है मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने इस क्रांति को जो चलाया है उससे किसानों को बहुत बेनिफिट होता है और इसमें जो है किसानों को थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। अन्यथा RAS सिस्टम जो है बहुत ही बढ़िया सिस्टम है। इसके लिए जो है हमारा लखनऊ में ट्रेनिंग दी जाती है, हमारा आंध्र प्रदेश में ट्रेनिंग है, हमारा पटना में ट्रेनिंग सेंटर खोले हुए हैं सरकार ने जगह जगह, और हम चाहते हैं कि इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा किसान जो है इस नील क्रांति में जुड़े, ताकि इसमें जो है पानी की भी बचत हो सके और बिजली की भी बचत हो सके। तो ये उत्तराखंड में पहली बार ये पहला हुआ है? ये उत्तराखंड का पहला RAS सिस्टम जो है मिस्टर राजीव वर्मा जी ने जो लगाया है, ये मत्स्य विभाग के सौजन्य से लगाया है। उनके अनुदान जो उन्होंने अनुदान दिया है उसकी मदद से ये किया गया है। कितने परसेंट पे देते हैं ये लोग? ये इनका जो परसेंटेज है 40% पे, 40% पे, 40% पे। ठीक सब्सिडी? जी जी ठीक है, ओके सर। आगे भी जैसे आप लोगों ने यहाँ पे शुरुआत की है, तो क्या आप आगे भी किसानों को यहाँ पे इस तरीके की ट्रेनिंग देंगे? जो जो बाहर नहीं जा सकते किसान लोग, तो आप यहाँ पे ट्रेनिंग करवाएंगे?
हाँ ऑलरेडी हम जो किसान हमारे पास आएंगे उनको ट्रेनिंग देना चाहेंगे अगर वो इच्छुक होंगे तो। धन्यवाद। आप कुछ बताएंगे हमारे क्षेत्र के किसानों को और जो बेरोजगार युवा है उनके लिए? तो देखिए, नील क्रांति योजना मैं नहीं लाया हूँ, ये मोदी जी का आशीर्वाद हम